भारतीय जनसंचार संस्था दिल्ली यांचे जागतिक महिला दिनानिमित्त शुक्रवार संवाद ऑनलाईन कार्यक्रमात स्मृती इराणी यांची हजेरी. लोकशाहीत महिला शक्ती या विषयावर रंगले चर्चासत्र. घर म्हटले तर घरातील प्रत्येकाला आठवते ती आपली आई. अर्थातच प्रत्येक स्त्री त्या घराचा आरसा असते. शिवाय कधीही न दिसणारा घरातील खांब असते, जो खांब प्रत्येक वेळेस घराचे संपूर्ण ओझे आपल्या खांद्यावर घेऊन उभे असते. सुरुवातीला चूल आणि मूल ही प्रथा देशात होती, परंतु 26 जानेवारी 1949 नंतर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधानाने ही प्रथा मोडीत काढीत नव्या संकल्पाचे निर्माण केले, ज्यातून आधी जिथे ही स्त्री फक्त घराचा खांब होती, आता तिच्यावर संपूर्ण देशाची जबाबदारी ओढवली. आणि प्रत्येक आव्हानाला हसत तोंड देणे हे स्त्रीचा गुणधर्म आहे. आणि आज प्रत्येक स्त्री आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे, ज्याने एका स्त्रीचे आयुष्य पालटले आहे. 21व्या शतकातील लोकशासक भारतामधील महिला शक्ती या विषयावर भारतीय जनसंचार संस्था दिल्ली येथील जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार संवाद हा ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय मंत्री महिला व बाल कल्याण तथा वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या, ज्यांनी लोकशाहीतील महिला शक्ती या विषयावर प्रकाश टाकण्याचे काम केले. या प्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व भारतीय जनसंचार संस्था दिल्लीचे महानिदेशक प्राध्यापक संजय द्विवेदी यांनी स्मृती इराणी यांची कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थिती निमित्त बोलताना म्हणाले की राजकारणात आपल्या वाणीवरून देशभरात छाप सोडणाऱ्या स्मृती इराणी कुशल वक्ता आणि उत्तम प्रशासक आहेत. त्यांनी राजकारणातून समाजकारणाकडे आगेकूच केली आहे. तर जागतिक महिला दिनानिमित्त घेतलेल्या शुक्रवार संवाद या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून स्मृती इराणी यांनी या कार्यक्रमाला देखणे रूप प्राप्त करून दिले आहे, त्याबद्दल भारतीय जनसंचार संस्थातर्फे आभार व्यक्त करण्यात आले. आज के शुक्रवार संवाद को बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैं केंद्रीय महिला और बाल विकास व कपड़ा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्रीमती स्मृति जी बिनारनी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से शुक्रवार संवाद का आयोजन विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक आयोजन है. इसके माध्यम से हम विविध विषयों पर विचार करते हैं और देश के श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ संवाद का एक अवसर तलाशते हैं. हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि लोकतंत्र में स्त्री शक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय स्मृति जुबिन रानी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है. जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाली 8 तारीख को पूरी दुनिया के अंदर महिला दिवस मनाया जाएगा, उस प्रसंग पर यह कार्यक्रम आयोजित है और इसके लिए बहुत ही सुयोग्य और सुपात्र चयन हम सबका रहा है. और हम आभारी हैं कि आदरणीय मंत्री महोदया ने हमें समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाया. स्मृति जी सही मायने में स्त्री के शक्ति, साहस, सौंदर्य, विद्वता और जिजीविषा की प्रतीक हैं. अभी हाल में ही मैंने श्री अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम पढ़ी और उसके माध्यम से ये पता चलता है कि जीवन समर में उन्हें कुछ भी यूं ही हासिल नहीं हुआ है. वे एक योद्धा की तरह जूझती हैं और उन्हें उसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती रही हैं. मेरा मानना है कि भारत की सबसे प्रगतिशील महिलाओं की अगर कोई सूची बनेगी तो वह श्रीमती स्मृति ईरानी के बिना पूरी नहीं होगी. भारतीय जनसंचार संस्थानाच्या विद्यार्थ्यांना लोकशाहीत महिला शक्ती या विषयावर मार्गदर्शन करताना मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की महिला, लोकशाही, त्यांचे राजकीय स्थान याविषयी जेव्हा अभ्यास केला जातो तेव्हा संसदेत असणाऱ्या महिला प्रतिनिधित्वाकडे प्रामुख्याने पाहिले जाते. मात्र आपण लोकशाही आणि स्त्री सशक्तीकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मर्यादित न ठेवता त्याकडे मोठ्या परिप्रेक्ष्यात पाहणे आवश्यक ठरेल. आज भारतातील महिलांचे राजकीय वर्चस्व पाहायचे असेल तर त्यासाठी डोळसपणे पंचायत राजकडे पाहायला हवे. तसेच महिलांचे राजकीय दृष्ट्या परिपक्वतेचे उदाहरण देताना त्या म्हणाल्या की 1962 ते 2018 या वर्षापर्यंतच्या मतदानाचा आकडा बघता यातही महिलांच्या मतदानात 27% वाढ झाल्याचे दिसते. एक दिवस, एक आठवडा, एक महिना महिला दिन साजरा करीत असताना समस्त महिलांना प्रत्येक दिवशी नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आणि यावर यशस्वी उत्तर शोधण्यासाठी महिला परिपक्व झाल्या आहेत आणि लोकशाहीत महिला येथून पुढेही नक्कीच आपल्या उत्तम ज्ञानाच्या बळावर सक्रिय सहभागी होत राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त करून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. हो डीजे,
for the kind invite on Shukravar Sambad. And I'm also grateful to all the students who have joined us with, I'm sure, a robust set of questions. The topic that I've been given to speak on, and mujhe baar baar ye kaha gaya hai ki mahila aur democracy aur political positions par main bolu. Aksar jab hum mahila aur democracy ki charcha karte hain to mukhyatah dhyan logo ka desh ki sansad mein seva de rahi mahila pratinidhiyon ke sandarbh mein hi wo chintan hota hai athva kataksh hota hai. अगर हम उसको थोड़ा एक दायरा बढ़ाएं, दो तीन चीजें यहाँ पर उल्लेखित करना मैं अपने आप को जरूरी समझती हूँ. 1962 से लेकर 2018 तक अगर आप महिला और पुरुष का वोटर टर्नआउट देखें तो महिलाओं का वोटर टर्नआउट बढ़ा 27%, पुरुषों का कंपैरेटिवली बढ़ा मात्र 7%. और जब हम वोटर टर्नआउट की बात करते हैं, इतने सर्वेज अगर आप पढ़ लें या स्टडीज अगर आप पढ़ लें तो सबसे ज्यादा स्टिकिनेस फैक्टर जिसको कहते हैं वो डेवलपमेंट के इश्यूज पर होते हैं. सिमिलरली जहां जहां महिलाओं के पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर आप उनका फिस्कल स्पेंड देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ज्यादा से ज्यादा फिस्कल स्पेंड होता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उन सभी मानकों पर जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक हिस्सा मानते हैं. इसका मतलब व्हेन यू लुक एट विमेन इन पोजीशंस ऑफ पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, टू थिंग्स हैव बीन सो फार एस्टैब्लिश्ड. वन, विमेन इन पोजीशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंड मोर फ्रॉम द ट्रेजरी ऑन इश्यूज सच एज हेल्थ एजुकेशन, issues that will help better the HDI performances of economies and countries as a whole. Secondly, we are afflicted with a myopia ki agar mahila ki political power ko aankhna hai to matra sansad ki or dekho. Aaj hamare desh ka saubhagya hai ki we have over 1.3 million women serving at the panchayat level, leading new revolutions in their own small way. Hamare desh ke itihas mein pehli baar 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत जो भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई, उसमें सबसे पहला अहम जो एक भाग किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में हमने इस बार देखा वो ये कि जेंडर फलक्रम बनाया गया डेवल्यूशन ऑफ फिस्कल अपॉर्चुनिटीज के लिए. इसका मतलब 15th फाइनेंस कमीशन जिसके सम्मुख मैं स्वयं और मेरा मंत्रालय गया, हमने आग्रह ये किया कि जेंडर कभी भी आधार नहीं होता फिस्कल स्पेंड का थ्रू फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन ऑफ फंड्स. और पहली बार हमारे देश में डेवल्यूशन ऑफ मल्टी सेक्टोरल फिस्कल स्पेंडिंग जो है उसमें जेंडर भी एक बहुत बड़ा आधार बना है. आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, दो तीन दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. डीडी साहब, आपने हम सब महिलाओं का अभिनंदन किया, मैं आभारी हूँ. लेकिन किसी भी महिला से पूछे तो कहेगी सिर्फ एक ही दिन क्यों, एक सप्ताह क्यों, एक महीना क्यों? क्योंकि हमारे संघर्ष एक सप्ताह एक दिन, हमारी उपलब्धि उस एक महीने तक सीमित नहीं रहते. हर दिन कोई नई चुनौती लेकर आती है और चुनौती का डटकर हमारी महिला शक्ति जो है वो उसका सामना करती है. यावेळी भारतीय जनसंचार संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी स्मृती इराणींना प्रश्न विचारले. त्यांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तर देऊन त्यांना मार्गदर्शन केले. कोमल इंगळे, विदर्भ न्यूज, अमरावती.